वेलकम बैक टू माई चैनल। और अब हम आगे क्या देखें, तो इसी तरह उनको बहुत ही स्मूथली और थोड़ा इस तरह नॉटी वे में उनका डिनर ऐसे कंप्लीट होता है। और अब हम देखते हैं कि जो युंगी और जिमिन थे वो मदर फादर को बाय करते और जाने ही लगते, तो पीछे से मदर कहती नहीं आज देर हो गई है, मतलब बाहर देर है तो तुम आज ही रुक जाओ। तो वो दोनों पहले मना कर देते हैं, पहले तो युंगी मना कर देता है, फिर ना युंगी को देखे तो जिमिन भी कहते थे नहीं मदर हम जाते हैं आप परेशान ना हो, तो इस तरह वो बोलते हैं। तो जो युंगी की मदर होती है वो कहती है नहीं रुक जा और कोई जरूरत नहीं जाने की, अभी रात का वक्त है सुबह चले जाना, सुबह चले जाना जल्दी अगर तुम्हें इतना हुआ है, बट अभी रात का वक्त है तो अभी ही ना जाओ, वो इस तरह बोलते। और फिर ना जो आगे फिर ना युंगी भी कुछ नहीं कहता और फिर ना वो भी मार जाते और फिर ना वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। और फिर जो हमारे मिस्टर और मिसेस मीन होते हैं उसके बाद फिर वो भी मार जाते और फिर सब अपने अपने रूम्स में चले जाते। और जैसे ही रूम में आते हैं हमारे मीन, तो जो युंगी होता है वो कहते हैं आज मैं तुम्हें शावर दिला दूँ, तो फिर ना जो जिन होते उसके तरफ ऐसे ना वियर्ड सा लुक देते और फिर कहते मैं ले सकता शावर, इससे बोलते और फिर ना जाने लगते। पीछे से ना युंगी ना उसको टाइटली हक कर लेते, बैक हक कर लेते और फिर ना उसकी नेक पे ना बैठ किसेस करने लगता है। और जो जिमिन होता है वो ना अपने हेड को ना पीछे फेंक देता है, बिल्कुल पीछे कर देता है उसके, ना शोल्डर पे रख लेते अपने हेड को और फिर कहते आह युंगी, वैसे बोलते और फिर ना मौन करना स्टार्ट कर देते। बिकॉज जो युंगी था वो उसको ना बहुत ही ना फैक्ट किसेस कर रहा था और वो भी क्योंकि ये जानता था कि जब भी वो इस तरह किसेस करता है तो जो जिमिन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो हॉट हो जाता है और नहीं हो जाता है। और वेल वो उसके मूड स्विंग्स भी थे तो उसको ना जान के वो करते, बिकॉज जिमिन ने उसको मना कर दिया। तो इस टाइम जो युंगी था वो फुल हार्ड था, जिमिन के लिए नीडी था, तो कहता प्लीज बेबी। तो फिर ना जो जिमिन होता अब तो फुली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, तो ना वो ना पीछे फौरन मुड़ता और फिर जिमिन ना युंगी को किस करना स्टार्ट कर देता, अपने जो लेग्स को ना जिमिन की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता और अपने आर्म्स को उसकी नेक के अराउंड, और उसको ना पैशनेट किस कर रहा होता और दोनों एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। होता है अब वो ना पूरी तरह उसने ना जो युंगी के ऊपर था जिमिन, और युंगी ने अच्छे से उसको पकड़ लिया था, ग्रैब कर लिया था, एक हाथ उसकी वेस्ट पे था और एक हाथ अच्छे से उसकी ना एस को पकड़ा हुआ था और उसको ना ऐसे ही लेता हुआ, मतलब किस करता हुआ, किस को ब्रेक किए बगैर उसको वॉशरूम में लेके आता है जिमिन को। और फिर ना उसके क्लोथ्स को ना रिमूव करने लगता है, उसको नीचे खड़ा करके और उसकी तरफ देखने लगता और उसको ना फिर दोबारा किस करना स्टार्ट कर देते और दोनों बहुत एग्रेसिव होकर किस गए थे। और जिमिन ने भी युंगी के क्लोथ्स उतार दिए थे और वो किस काफ़ी इंटेंस हो गई थी। और जो युंगी था उन दोनों की बॉडी जो युंगी ने फील की, दोनों की बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गई थी और इसलिए उसने कोल्ड शावर चलाया। कोल्ड शावर में उन दोनों को ना अलग ही प्लेजर फील हो रहा था और ना युंगी जिमिन को ना टर्न अराउंड कर देते और उसके बैक पे ना किस करना स्टार्ट करता है और किस करते करते ना नीचे आ जाता है। और फिर ना जो जिमिन था उसको ना बहुत ही ज़्यादा ना फील अच्छा फील हो रहा था, हेवन फील हो रहा था। और ना जो युंगी था वो उसकी फुल बॉडी पे हाथ फिरा रहा था, बिल्कुल नीचे उसको ना बैक पे किया हुआ था और उसके एस को देखते और फिर वहाँ पे ना एक बाइट करके ना जोर से स्लैप आता है, जिससे जो जिमिन होता है वो मौन करता है। और उसके बाद जो युंगी होता है वो वापस से ऊपर आता है और जिमिन को अपनी तरफ टर्न अराउंड करता है और उसको ना किस करना दोबारा से स्टार्ट कर देता है। और जो जिमिन होता है वो भी किस बैक करता है। और फिर उसके बाद जो जिमिन है वो युंगी को ना करते हैं, मतलब पलट देते हैं, मतलब उसको वो अपनी साइड पे कर देते हैं, मतलब जो वॉल पे ना पुश कर देते और उसके ना चेस्ट पे किस करता हुआ आता और उसके ना बिल्कुल ना अपनी नीज पे आके बैठ जाता। और फिर ना जिमिन ना युंगी का जो पार्ट होता है उसको ना अपने माउथ पे ले लेता और उसको ना अपने ना माउथ जॉब करने लगता। और जो युंगी था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था, उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, प्लेजर ले रहा था।
और उन्होंने जिमिन के हेयर्स को ना टाइटली ग्रैप कर लेता और ना उसको ना फोर्स करने लगता, और जिमिन को भी ये चीज़ बहुत पसंद आती है। और वो दोनों ना बहुत ही देर तक ना इस तरह करते, और कुछ टाइम बाद जो उनकी है वो रिलीज हो जाता है उसके मौत में। और उसके बाद जो जिमिन है वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और फिर ना फौरन खड़ा होता है। जिमिन नहीं होंगी ना कह देते कि प्लीज़ डैडी करो, वो संभल दो। और फिर ना जो योंगी होता है वो फौरन ही जिमिन को ना वो कर लेता है और उठा लेता है। उसको कहते हैं कि नहीं हनी बेबी तुम प्रेगनेंट हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें ज़्यादा पेन हो। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं नहीं मुझे यही करना प्लीज़ डैडी, उसे बोलता है। और फिर ना वो बहुत ही ज़्यादा लस्टी हो गया था, उसे वेट नहीं हो रहा था। तो फिर कहते हैं कि ना एज यू विश, उसे बोलते हैं उसको ना फिर वॉल पे ना पुश करता और फिर ना उसके अंदर ना एंटर हो जाता है। जैसे ही एंटर होते हैं तो ना जिमिन एक ना बहुत ही डीप मौन करता है और फिर कहता है क्योंकि उसे बोलता है। और फिर ना बहुत ही ज़्यादा उसको प्लेजर फील हो रहा था। और जो योंगी था वो साथ साथ उसके अंदर थ्रस्ट करने के साथ साथ उसके जो वो थे बैली पे, उसकी बॉडी पे, उसके चेस्ट पे ना हाथ फिरा रहा था, उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। और जिमिन को एक अलग ही टाइप का ना प्लेजर फील हो रहा था। और वो उनका नाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जाती है। उसके बाद वो रूम में आके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राउंड्स लिए थे और उनकी आवाज़ मिस्टर और मिसेस मिन को नहीं जा रही थी, बिकॉज फॉर्चुनेटली उन दोनों के रूम्स अप एंड डाउन उसमें थे तो बचत हो गई थी। तो वो फिर सो, और फिर जब उनके राउंड्स हो जाते हैं वो काफ़ी अच्छे से ले लेते हैं। तो उसके बाद तो ना एक दूसरे को हक करके बिल्कुल नेकेड, अभी किसी ने शावर भी नहीं लिया था। शावर लेने के बाद उन्होंने रूम में इतना दफा किया था और उसके बाद ऐसे सो गए थे एक दूसरे के ऊपर ब्लैंकेट करके। और नेक्स्ट डे जब जिमिन की आइज ओपन होती है तो वो देखते हैं कि वो फुली ड्रेस्ड है और उसने अच्छे से ड्रेस्ड हुआ हुआ है, मतलब कि उसने ना कैजुअल क्लोथ्स पहने हुए हैं, उसकी ना बिल्कुल साफ सुथरा है, मतलब उसको कुछ भी ना ऐसे स्टिकी सा फील नहीं हो रहा था। वो स्माइल करते बिकॉज उसको अच्छे से पता था ये उसके हस्बैंड ने किया है। तो वो ना जब अपनी आई से प्रॉपरली खोलता है सामने देखता है तो सामने ना योंगी ना खड़ा हुआ होता है, उसके लिए ना वो लेके आया था सूप लेके आया था और साथ में ना वो भी थी पेन किलर्स भी। तो ना वो ये देख के स्माइल करता है क्योंकि उसको पता था उसका हस्बैंड उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है और स्पेशली वो प्रेग्नेंट है तो वो तो उसकी और भी ज़्यादा करता है। और फिर ना जो यूंग है तो वो ना वो उस ट्रे को रखता है और जिमिन को उठने में मदद करता है, बिकॉज उसको पता था जितना रफ वो रात को गया है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, इसलिए वो पहले से अपनी वाइफी की केयर कर रहा था। और वो ना जिमिन को उठाता है और फिर ना बिठाता है और फिर कहते हैं कि ना क्या हुआ अब तुम ठीक हो? तो फिर ना जो जिमिन होता है उस टाइम कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे हम बोलते हैं। और फिर ना कहते हैं अच्छा ये लो पहले ये सूप पी लो उसके बाद मेडिसिन खाना। तो फिर ना जिमिन कहते ओके, उस टाइम बोलते। और फिर ना वो ना बहुत ही प्यार से होंगी खुद अपने हाथों से ना जिमिन को सूप पिलाता है और फिर ना जिमिन भी स्माइल करके ना आराम से सूप बहुत अच्छे बच्चों की तरह पी लेता है, बिल्कुल ओबीडियंट बॉय की तरह। और ना योंगी भी स्माइल कर रहा होता है अपने वाइफी की ये क्यूटनेस देख के। और अब हम देखते हैं कि वो नीचे आ जाते हैं 50 मिनट्स बाद। और जब नीचे आते हैं तो देखने मतलब फादर वहीं बैठे हुए हैं। तो ना जो योंगी तो वो ना आराम से ना पोलाइटली बिल्कुल आराम से इतने अच्छे से ना जिमिन को बिठाता है चेयर पे और ना उनको बोग भी करता है, मतलब गुड मॉर्निंग विश करता है। और फिर ना वो दोनों भी करते हैं और फिर ना पूछते हैं कि ना तुम दोनों को रात में नींद सही आई? तो ना ये रात की बात सुन के तो दोनों के फेस रेड हो जाते हैं और ना जिमिन होता सर हाँ मिलाता है और योंगी भी। तो फिर ना वो दोनों मतलब फादर होता है को आइडिया हो जाता है कि ये क्यों इतना ज़्यादा ब्लश करें, तो उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। और फिर ना जो जिमिन योंगी की मदर होती है वो कहती है कि ना मेरे बेटे पे ज़्यादा रफ ना होना तुम बीस्ट, कहते मदर उस तरह बोलते हैं और उसका फेस फुल रेड हो जाता है और वो जिमिन ना योंगी के ना चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है और फिर सब हंसने लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसी छोटी मोटी बातों से ना इनके जो होते मतलब इनका ना ये भी गुजरता है और
ब्रेकफास्ट का टाइम, उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब ये अपने घर आ जाते हैं। और जैसे घर आते हैं तो ना यूंगी कहते हैं कि ना बेबी आज तुम रेस्ट करो, ठीक है मुझे कुछ ऑफिस का वर्क है तो मैं लैपटॉप में लेके ना वहीं कर रहा हूँ। तो फिर कहते ओके ओके ना हस्बैंड वैसा बोलते और फिर ना चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आफ्टरनून का सीन, तो फिर ना जो यूंगी होता है वो जमीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं जमीन, तो फिर ना कहते क्या हुआ, तो फिर कहते ये ना क्या तुम मुझे एक कॉफ़ी बना कॉफ़ी ला दोगे, तो फिर ना जो जीवन होता है वो कहते हैं हाँ मैं बना दे दूँ। ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है कॉफ़ी लेके आने के लिए। और फिर ना वहाँ जाता है और कॉफ़ी बना रहा होता है। और फिर उसके बाद ना वो जमीन यूंगी के बारे में सोच रहा था। और फिर ना जो यूंगी था वो आता है, जो जमीन होता है वो आप कॉफ़ी बना के लाता है। और फिर ना यूंगी को देने ही वाला होता है, तो अचानक से ना उसकी जो फिंगर्स होती है जब वो देने ही लगा था तो उसकी ना टच हो गई थी, खुद की टच हो गई थी वो हॉट कॉफ़ी के साथ। तो उसके ना हाथ चल जाता है, उसको पेन होता है बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस है। तो फिर ना वो ना कप उसके हाथ से छूट जाता है और वो गिर जाता है जूंगी के पेपर्स के ऊपर, एक फाइल होती है उसके ऊपर गिर जाता है। और ये देख के ना जमीन डर जाता है और फिर ना यूंगी की तरफ ना देखते, बट जो यूंगी था वो ना इसी उसको पता चल गया था, उसको थोड़ा गुस्सा तो आता है, मतलब कि वो सुबह से इस पर वर्क कर रहा था, बट वो ना फर्स्ट जमीन को प्रायोरिटी देता है और फौरन जमीन को पकड़ते और कहते तुम्हें लगी तो नहीं, रुक गया आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी फाइल खराब हो गई। तो फिर ना वो कहते ये ना जो कुछ नहीं हुआ, मैं दोबारा कर लूँगा, काम हो सकता है, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझाई ऐसा बोलता और उसको ना काम करता है। उसको कहते कि ना दिखाओ अपना हैंड दिखाओ, तो वो देखते हैं उसकी जो फर्स्ट 3 फिंगर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई थी क्योंकि वो अच्छा खासा जल गया था। उसके बाद जब कॉफ़ी गिरी तो वो भी उसके हाथ पे गिर गई थी। तो यूंगी पहले ऑइंटमेंट लगाता है और फिर ना अच्छे से लगा देता है और फिर ना उसको बैठाता और जिमिन के ना आइज में ना टीयर्स थे और उसके ना गिल्ट था और कहते आई एम सो सॉरी वैसा बोलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना कुछ बोलता नहीं है बिकॉज अब उसको दोबारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो तकरीबन 3 आवर्स से कर रहा था और हाफ फाइल पहले से बनी थी, उसने हाफ अब भी बनाई थी, कंप्लीट हो चुकी थी, कम्प्लीट होके उसने रखी थी। और फिर ना उस फाइल की तरफ देखते और फिर गहरी सांस लेता है, बट उसकी नज़र दोबारा से उस फाइल पे जाती है तो फिर उसके फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है। और फिर ना वो यूंगी जीवन के पास वापस जाता है, उसके ना फेस पे ना उसके ना चिक्स पे दोनों पे किस करता है और फिर कहते तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ फाइल कवर था, मैंने फाइल कवर अभी चढ़ाया नहीं था, मतलब मीन्स जो अंदर की फाइल्स थी जितने भी पेपर्स थे वो साइड पे पड़े, सिर्फ फाइल कवर ख़राब हुआ है और वो तो मेरे पास पोसन है, उसकी फिक्र ना करो। अगर ये मैंने उससे मैं तुम्हें हर्ट कर दिया होता तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्यों, तो मैं खुद के साथ क्या करता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जीवन और कुछ भी नहीं हुआ, फिक्र ना करो तुमने कुछ भी नहीं किया उस तरह बोलते। और फिर ना जो जीवन होता है ये सुनिए ना उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, उसके ना उसको फील होता है उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, कितना प्रोटेक्टिव है, कितना अच्छे से उसकी केयर लेता है और ना सबसे पहले उसी के बारे में सोचा। तो फिर ना उसका ना फेस पे बहुत बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, इतनी प्यारी आती है। तो जब उसी जो यूंगी होता है वो जब अपने हस्बैंड की स्माइल देखते तो उसके फेस पे भी एक ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और फिर ना जो जमीन होता है वो ना यूंगी को अपनी तरफ ना थोड़ा सा पुल करता है और उसके ना हैंड्स को ना खींच कर फिर ना उसकी नेक के अराउंड अपने अपने आर्म्स को वो करता है, रैप करता है और फिर ना उसको किस करता है और वो छोटा सा पैक करता है बट वो भी बहुत स्वीट होता है। तो फिर ना जो यूंगी तो स्माइल करता है और फिर ना कहते हैं यहाँ बैठो तुम्हें कॉफ़ी पीने। तो फिर ना जो जमीन होता है वो मुँह बनाता है और कहते हैं नहीं मैंने नहीं बनाया पीनी, मैं तुम्हारे लिए बना के आता। तो फिर ना यूंगी कहता बस रहने दो मेरे वैसे भी काम हो गया है और ना कॉफ़ी हम नहीं पीनी तो मैं तुम्हारे लिए ना जूस बना के आता हूँ। फिर ना जो यूंगी होता है वो ये बोलता है तो फिर ना जिमिन कहते नहीं मैं और तुम दोनों इकट्ठे चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ तुम मेरे लिए जूस बना दो, ठीक है। तो फिर ना जो यूंगी होता है उस फैन कहते हैं ओके वाइफी आ जाओ।
वो ऐसा बोलते और उसका ना जीवन का ना ब्रांड स्लाइम उठा लेते, और जो जीवन भी है प्रोटेस्ट नहीं करता बिकॉज उसको आदत हो गई थी इस बेबी या सिटिंग टाइप की ना केयर की, तो फिर उसको भी अच्छा लगता है। और दोनों नीचे आते हैं और फिर ना जैसे मैंने आपको बताया तो उन जीवन कॉफ़ी बनाता है और यूंगी वो बनाता है शेक बनाता है और जूस बनाता है, और फिर दोनों ना अपने हैंड्स को ना इंटेंगल करके ना एक दूसरे की ना चीज़ें पीते हैं। मतलब कि अब उसने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी जूंगी के लिए बिकॉज उसने कहा था मेरा मूड चेंज हो गया तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी दो, तो उन दोनों ने ना इस तरह करके पिया और फिर ना दोनों हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर से। उसके बाद जो जीवन को ना यूंगी उठा लेते हैं ब्रदर स्टाइल में दोबारा से उसको रूम में लेके आते हैं और फिर अपनी लैब पे बैठा के ना दोबारा से ना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जिमिन था वो बोर हो रहा था और फिर ना वो जिमिन ना क्योंकि के चेस्ट पे ना अपना हेड को रख देते और फिर ना वहीं पे उसको नींद आ जाती है और वो बहुत अच्छे से सो जाता है। और जो यूंगे तो वो जब ये देखते कि जिमिन उसकी लैब में सो गए तो वो उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है और फिर ना वो उसको कुछ कहता नहीं है। बस ये दोनों बैठे रहते हैं और कुछ टाइम पर जो यूंगी का काम भी कंप्लीट हो जाता है, वो भी जिमिन को हक करके वो भी सो जाता है।